Tutu becoming aware that a mission of some importance was underway, decided to follow me. Tutu भी इस बात को लेकर अवेयर हो गई कि ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है, तो उसने भी डिसाइड किया मुझे फॉलो करने का. बट एज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर अलॉन्ग, सी टू डिसाइडेड टू कीप आउट ऑफ साइट, क्योंकि मैंने उसे इन्वाइट नहीं किया था टूटू को. जिस तरह अंट रूबी ने मेरे को कहा कि तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, मैंने भी टूटू को इन्वाइट नहीं किया था. सो सी टू डिसाइडेड टू कीप आउट ऑफ साइट, इसीलिए नज़रों से, मेरे नज़रों से बचते हुए वो भी मेरा सीक्रेटली जो है वो पीछा करने लगी, गुप्त रूप से मेरा पीछा वो करने लगी. वंस इन द क्राउडेड बाजार आई वॉज एबल टू गेट क्वाइट क्लोज टू अंट रूबी एंड रॉकी विदाउट बींग स्पॉटेड. एक बार भीड़ वाले बाजार में जाने के बाद आई वॉज एबल टू गेट क्वाइट क्लोज टू अंट रूबी एंड रॉकी विदाउट बींग स्पॉटेड. तो किसी तरह से जो है मैं अंट रूबी और रॉकी के नज़दीक क्लोज, बिल्कुल क्लोज में चला गया, बिल्कुल क्लोज चला गया बिना उनके नज़रों में आए. आई वेटेड अंटिल दे हैड सेटल डाउन इन अ लार्ज ज्वेलरी शॉप बिफोर साउंटरिंग पास्ट एंड स्पॉटेड देम एज दो बाय एक्सीडेंट. मैं वेट किया, इंतज़ार किया उनका, तब तक मैं उनका इंतज़ार किया जब तक वे लोग एक बड़े से ज्वेलरी शॉप में नहीं चले गए, नहीं गए. यहाँ पर साउंटरिंग का मीनिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ. वॉकिंग इन अ स्लो एंड रिलैक्स्ड मैनर, साउंटरिंग का मीनिंग होता है वॉकिंग इन अ स्लो एंड रिलैक्स्ड मैनर, मैंने आराम से धीरे धीरे चलना. मैं भी काफ़ी आराम से और रिलैक्स्ड मैनर में चल रहा था ताकि मैं अंट रूबी रॉकी की नज़रों के सामने नहीं आऊँ. और तब तक मैंने उनका इंतज़ार किया जब तक कि वे लोग एक बड़े से ज्वेलरी शॉप में नहीं चले गए. स्पॉटिंग देम एज दो बाय एक्सीडेंट, और अचानक से मैं उनके नज़रों के सामने आ गया, अचानक से मैं उनके नज़रों के सामने आ गया. स्पॉटिंग देम एज दो बाय एक्सीडेंट एंड अंट रूबी वॉजन टू प्लीज्ड एट सीइंग मी बट रॉकी वेव्ड एंड कॉल्ड आउट कम एंड ज्वाइन अस. अंट रूबी मेरे को देख कर जो है काफ़ी नाराज हो गए. सी वॉजन्ट टू प्लीज्ड एट सीइंग मी, वो मुझे देख कर बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन रॉकी मुझे इशारा करके बुलाया, रॉकी ने मेरे को इशारा करके बुलाया और कहा कि आओ हमारे साथ ज्वाइन करो. हेल्प योर अंट चूज अ लिटिल हेल्प योर अंट चूज अ ब्यूटीफुल रिंग, रॉकी ने मेरे को इशारा करके, वो रॉकी जो रूबी अंटी का फियांसे था, जो रूबी अंट रूबी के साथ जिनका मैरिज होने वाला था, और मैं रॉकी को इसलिए भी पसंद करता था क्योंकि वो मेरे लिए चॉकलेट्स और कैसवनट्स अक्सर लाया करते थे. सो रॉकी वेव्ड एंड कॉल्ड आउट कम एंड ज्वाइन अस, इसलिए रॉकी जो था, अंट रूबी तो बिल्कुल खुश नहीं थी मेरे को देख कर वहाँ पर, बट रॉकी मेरे को इशारा करके, मुझे इशारा करके बुलाए और मुझसे कहे कि कम एंड ज्वाइन अस. हेल्प योर अंट चूज़ अ ब्यूटीफुल रिंग, अपनी अंट का जो है मदद करो रिंग को, ब्यूटीफुल रिंग सेलेक्ट करने में, ब्यूटीफुल रिंग को चूज़ करने में जो है अंट रूबी का मदद करो. द होल थिंग सीम्ड टू बी वेस्ट ऑफ गुड मनी बट आई डिडंट से सो, अंट रूबी वॉज गिविंग मी वन ऑफ हर मोस्ट अनलविंग लुक्स. द होल थिंग सीम्ड टू बी अ वेस्ट ऑफ गुड मनी, बिल्कुल मुझे, मैंने पैसे की बर्बादी, पूरा द होल थिंग, पूरा चीज़ जो है मुझे पैसे की बर्बादी, वेस्ट ऑफ गुड मनी लग रहा था, बट आई डिडंट से सो, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा. अंट रूबी वॉज गिविंग मी वन ऑफ हर मोस्ट अनलविंग लुक्स, अंट रूबी मेरी तरफ जो है काफ़ी नाराज भाव से देख रही थी, बिकॉज सी वॉज नॉट हैप्पी टू सी मी देयर, सी वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल टू सी मी देयर. सो सी वॉज गिविंग मी वन ऑफ हर मोस्ट अनलविंग लुक्स, इसलिए वो मुझे काफ़ी नाराज भरे नज़रों से देख रही थी. वाइल द ज्वेलर एंड अंट रूबी वर शिफ्टिंग थ्रू द डायमंड रिंग्स, Tutu had flipped into the shop without being noticed by anyone but me. While the jeweler and Aunt Ruby were sifting through the diamond rings, जब Aunt Ruby और jeweler diamond rings के बारे में चर्चा कर रहे थे, sifting कर रहे थे, जब Aunt Ruby diamond rings को select कर रही थी, उसी बीच जो है, meanwhile Tutu had slipped into the shop without being noticed by anyone but me. उसी बीच टूटू जो है वो बिना किसी के नज़रों में आए सिवाय मेरे, बिना किसी के नज़रों
में आए चुपके से जो है ज्वेलरी शॉप के अंदर घुस जाती है. ओनली आई कुड सी हर गेटिंग इन टू द ज्वेलरी शॉप दैट ज्वेलरी शॉप. अ लिटिल स्क्विल ऑफ डिलाइट वॉज द फर्स्ट साइन सी गेव ऑफ हर प्रेजेंस. अ लिटिल स्क्विल ऑफ डिलाइट, खुशी की आवाज़, खुशी की चीख, यानी वॉज द फर्स्ट साइन, वो खुशी का चीख जो था, स्क्विल मतलब चीखना होता है, हाई क्राई. अ लिटिल स्क्विल ऑफ डिलाइट वॉज द फर्स्ट साइन सी गेव ऑफ हर प्रेजेंस, यानी जैसे ही टूटू जो है ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसी तो वो एक जोर से वो चीखी खुशी पूर्वक, डिलाइटफुली सी क्राइड सी स्क्विल्ड. और यही उसका फर्स्ट साइन था जो वो दिखाना चाहते थे कि मैं भी उस ज्वेलरी शॉप में आ गई. उसी गेव हर ऑफ हर प्रेजेंस, यानी अपने प्रेजेंस का जो है वो आभास वहाँ के लोगों को जो है वो दिला रही थी. वो क्या कर मैंने क्या करके अ लिटिल स्क्विल ऑफ डिलाइट, यानी खुशी का जो है मैंने खुशी से चिल्ला कर. एवरीवन लुक्ड अप टू सी हर ट्राइंग ऑन अ प्रिटी नेकलेस, सभी लोग जो है उसकी तरफ देखने लगे जब वो एक खूबसूरत सा नेकलेस अपने गले पर लटका कर, अपने गले के चारों तरफ जो है वो एक प्रिटी नेकलेस को जो वो पहनी, तो एवरीवन प्रेजेंट ओवर देयर स्टार्टेड लुकिंग एट हर. What are those stones? I asked. I stands for again. I tell you, I stands for Ruskin Bond. And what are those stones? I asked. मैंने पूछा कि वो stones क्या है, वो पत्थर कौन, वे पत्थर क्या हैं जो उस necklace में हैं. They look like pearls, said Rocky. Rocky ने कहा कि वे मोती के जैसे देखने में लगते हैं. They are pearls, said the shopkeeper, making a grab for them. शॉपकीपर ने कहा कि वो दे लुक लाइक पर्ल्स, जब रॉकी ने कहा कि वो मोती के समान देखने, मोती के जैसे देखने में लगते हैं, तो शॉपकीपर ने कहा कि मोती के जैसे देखने में नहीं लगते, मोती ही हैं. मेकिंग अ ग्रैब फॉर देम, उन उस नेकलेस को जो है उस बंदर से छीनने के लिए जो है शॉपकीपर आगे की ओर बढ़ा इस बात को कहकर कि वो मोती के जैसे नहीं बल्कि मोती ही हैं. It's that dreadful monkey, cried Aunt Ruby. I knew the boy would bring her here. It's that dreadful monkey, cried Aunt Ruby. Aunt Ruby ने कहा ये तो वही भयानक बंदर है. I knew, मैं जानती थी यही लड़का जो है इस बंदर को यहाँ पर लेके आया, इस बंदर को, इस गर्ल मंकी को जो है, इस टूटू को लाने का क्रेडिट जो है, श्रेय जो है इसी रस्किन को जाता, यही इस बंदर को यहाँ पर लेके आया, मैं जानती थी. इसको मना भी की, अब अंट रूबी कहते इसको मना करने के बावजूद भी हम ये मेरे पीछे आया और इस बंदर को भी साथ में लेके आया. द नेकलेस वॉज ऑलरेडी एडॉर्निंग टूटूज नेक, नेकलेस जो था वो टूटू के गले पर सज रहा था. ऑलरेडी एडॉर्न दैट मीन्स टूटू डेकोरेटेड हरसेल्फ विथ दैट पर्ल नेकलेस. आई थॉट सी लुक्ड रेदर नाइस इन देम बट सी गेव अस नो टाइम टू एडमायर द इफेक्ट. मैंने सोचा कि ये नेकलेस जो, ये पर्ल नेकलेस जो है ये इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है. मैंने ऐसा सोचा कि इसके ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा, इस बंदर बंदरिया के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा ये नेकलेस. बट सी गेव अस नो टाइम टू एडमायर द इफेक्ट, लेकिन इससे पहले कि उस नेकलेस के बारे में जिसको टूटू उस समय एडॉर्न की हुई थी, पहनी हुई थी, दैट टूटू वॉज वेयरिंग एट दैट टाइम, इससे पहले कि टूटू कुछ एडमायर करने का, कुछ प्रशंसा करने का उस नेकलेस के बारे में देती, इससे पहले वो वहाँ से निकल पड़ी. बट सी गेव अस नो टाइम टू एडमायर द इफेक्ट, यानी यहाँ कहने का मतलब है कि वो हमें थोड़ा भी समय नहीं दी कि उस इफेक्ट को जो है वो एडमायर करें जिस तरह से वो उस नेकलेस को पहनी थी. स्प्रिंगिंग आउट ऑफ आवर रीच टूटू डॉज्ड अराउंड रॉकी, स्लिप्ड बिटवीन माई लेग्स एंड मेड फॉर द क्राउडेड रोड. हमारे रीच से, यानी उसको टूटू को पकड़ने के लिए हम लोग आगे और बढ़े, कूदते हुए टूटू रॉकी के चारों तरफ घूमी और मेरे पैरों के बीच से निकलते हुए वो ज्वेलरी शॉप के बाहर भीड़ वाले रास्ते पर चली गई. आई रन आफ्टर हर, मैं उसके पीछे भागा. शाउटिंग टू हर टू स्टॉप, चिल्लाया रुको रुको, मैं चिल्लाया, मैं मतलब आई स्टैंड्स फॉर रस्किन बॉन्ड,
I stand for Ruskin Bond, the writer of this story. I ran after her, shouting to her to stop. Chillaya, uske piche daud kar, ruko, ruko. But she wasn't listening. Lekin woh suni nahi rahi thi. The dweller left his shop and ran after us. Dweller भी जो है अपने दुकान को छोड़कर उस हमारे पीछे दौड़ने लगा अपने पर नेकलेस को पाने के लिए. So did Rocky. Rocky भी दौड़ना शुरू कर दिया. So did several bystanders who had seen the incident. और भी बहुत सारे जो अगल बगल लोग खड़े थे रोड पर जो लोग खड़े थे वे लोग भी जो है इस इंसिडेंट को देख कर जो है उस टूटू का जो है पीछा करना शुरू किए. एंड अदर्स हु हैड नो आइडिया व्हाट इट वाज ऑल अबाउट. और बहुत सारे और लोग जिनको ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा था वे लोग भी पीछे पीछे दौड़ना शुरू किए. ज्वाइंड इन द चेज, उस चेज पे जो है ज्वाइंड किया, यानी जो टूटू का हम लोग पीछा कर रहे थे उस चेज पर और भी बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन किए जिनको ये भी पता नहीं था कि ये मैटर क्या है, क्या रीज़न, लोग क्यों दौड़ रहे. विदाउट एनी रीज़न ऑल द अदर पर्सन स्टार्टेड चेजिंग, स्टार्टेड रनिंग आफ्टर द क्राउड. एज ग्रैंड फादर यूज टू से, इन अ क्राउड एवरी वन प्लीज फॉलो द लीडर, इवन वैन दे डोंट नो हु इज लीडिंग. As grandfather used to say, जैसे grandfather अक्सर कहा करते थे, in a crowd, भीड़ में हमेशा जो है जो leader होता है उसको सब follow करते हैं. यहाँ तक कि लोगों को पता भी नहीं रहता कि कौन leading कर रहा है, फिर भी जो है भीड़ में लोग मैंने भीड़ में लोग जो है वो दौड़ना शुरू करते हैं. Even they don't know who is leading, who is the leader. The same case is happening here. Not everyone knew that the leader was Tutu. सभी लोग नहीं जानते थे कि लीडर जो है वो कौन है टूटू जिसके पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं. She was none but our pet little girl monkey Tutu. Only the front runners could see her. सिर्फ जो आगे सिर्फ जो लोग आगे दौड़ रहे थे वही जो है टूटू को देख सकते थे, उस बंदर को देख सकते थे. यानी all the numbers of people started running after that little girl monkey. She tried to make her escape speedier by leaping onto the back of a passing scooter. वो बचने का कोशिश की और भी तेजी से कूद कर, किसके पीछे, एक स्कूटर वाला आगे जा रहा था, उस स्कूटर वाले के पीछे से कूद कर जो है वो और भी तेजी से भागने का प्रयास की, कोशिश की. द स्कूटर swept into a fruit stall and came to a stand still under a heap of bananas. वो स्कूटर जो है वो अनबैलेंस्ड होकर जो है एक फ्रूट स्टॉल में जाकर गिर गया और बनानास का ढेर, हीप ऑफ बनानास मतलब बनानों का ढेर, केलों का, मैंने केलों के ढेर के ऊपर जो है जाकर वो गिरा. वेल द स्कूटरिस्ट, वो स्कूटर जो है कहाँ गिरा, बनानों के ढेर के ऊपर गिर गया जाकर. जबकि वाइल द स्कूटरिस्ट फाउंड हिमसेल्फ इन द आर्म्स ऑफ एन इंडिग्नेंट फ्रूट सेलर, जबकि वो स्कूटरिस्ट जो था वो इंडिग्नेंट का मीनिंग होता है काफ़ी गुस्से में, यानी वो स्कूटरिस्ट जो था वो अपने आप को कहाँ पाया, गुस्से से भरे हुए फ्रूट सेलर के गोद में. इट्स ड्यू टू ओनली दैट मिस्चीवियस लिटिल गर्ल मंकी. टूटू पील्ड अ बनाना एंड एट पार्ट ऑफ इट बिफोर डिसाइडिंग टू मूव. टूटू जो है वहाँ से जाने से पहले जो एक बनाना को जो है एक बनाने के छिलके को उतारे, पील मतलब होता है छिलके उतारना बनाना का. तो टूटू जो है वहाँ से जाने से पहले जो है बनाना के छिलके को उतारी और थोड़े से पार्ट को ही बनाना का खाई और वहाँ से फिर वो निकल पड़ी.
फ्रॉम एन ऑनिंग सी मेड एन एमरजेंसी लैंडिंग ऑन अ वॉशरमैन डोंकी. ऑनिंग मतलब होता है कि दुकान के ऊपर जो प्लास्टिक का कपड़ा दिया, मैंने प्लास्टिक के कपड़े से जो है प्लास्टिक के क्लोथ से जो ढका जाता है दुकान के अंदर, उसको बोलते हैं AWNING, ऑनिंग. सो फ्रॉम एन ऑनिंग सी मेड एन एमरजेंसी लैंडिंग ऑन अ वॉशरमैन डोंकी. द डंकी प्रॉम्प्टली पैनिक्ड एंड रस्ट डाउन द रोड फ्रॉम एन ऑनिंग. उस प्लास्टिक के बने हुए कपड़े, सी मेड एन एमरजेंसी लैंडिंग ऑन अ वॉशरमैन डंकी, वहाँ से कूद कर जो है वो जो फ्रूट सेलर का जो प्लास्टिक का बना हुआ ऊपर क्लोथ जो था, जिसको वो ढका हुआ था अपने फ्रूट स्टॉल को, जिससे वो ढका हुआ था, वहाँ से जो है वो टूटू जो है एमरजेंसी लैंडिंग करके वॉशरमैन के डंकी के ऊपर, यानी वॉशरमैन के डंकी के ऊपर आकर बैठ गई, वहाँ से कूद कर बैठ गई वॉशरमैन के डंकी के ऊपर आकर. द डंकी प्रॉम्प्टली पैनिक्ड एंड रश्ड डाउन द रोड. जैसे ही डंकी के ऊपर वो कूद कर टूटू बैठी, डंकी जो है वो डर गया, पैनिक्ड हो गया और रश डाउन द रोड, और काफ़ी तेज़ी से जो है रोड पर दौड़ने लगा. वेल बंडल्स ऑफ वॉशिंग फिल बाय द वे साइड. और डंकी के ऊपर जो कपड़े बंडल्स जो वॉशरमैन रखा हुआ था, वो बंडल जो है रोड के किनारे साइड में गिर गए. द वॉशरमैन ज्वाइन इन द चेस. वो वॉशरमैन भी जो था वो उस चेज पर जो है वो ज्वाइन कर लिया, यानी वॉशरमैन आल्सो स्टार्टेड रनिंग आफ्टर हिज डोंकी ऑन विच टूटू वॉज सिटिंग. चिल्ड्रेन ऑन देयर वे टू स्कूल